चलिए दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप लोग का जो आप लोग जो देख रहे हैं कंटिन्यूटी, मतलब आपके रिस्पांस भी बहुत अच्छे हैं, देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और अब समय कम बचा हुआ है, जैसे आप लोगों को सभी को पता है, बार बार मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ कि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश वनरक्षक, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1-2, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, KBS, PGT, TGT, PRT एग्जाम और बहुत सारे एग्जाम, जिसमें करंट अफेयर्स, GK, हिंदी, इंग्लिश उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो बहुत सारे एग्जाम में कॉमन है, जो आना ही आना है, ठीक है ना, वो आएगा ही आएगा, तो उसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप मेरे चैनल के साथ सर अभय सिंह, ये YouTube पर जो है इस पर सर्च और करते रहे, देखते रहे। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9589133908, ये मेरा मोबाइल नंबर है, WhatsApp भी है, इस पर आप कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, पूरा करंट अफेयर्स। एक्चुअली माइंड में ये ना रखें कि एग्जाम से 15 दिन पहले वाला करंट अफेयर, मतलब 1 ईयर का आपको पूरा करंट में आता है, आपके माइंड में होना चाहिए कि 1 साल का करंट में कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने जुलाई का ही बनाया था, अगस्त का भी, अभी आपको पिछले जनवरी 2022 के दिखा रहा हूँ, अभी फरवरी 2023 चल रहा है। तो अभी का पेपर सेट हो गया नहीं आएगा, 1-2 महीने पहले से तो बंद हो जाता है। तो आपको ये माइंड में सेट रखना कि 1 ईयर का आएगा, 1 ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021-22 का जो था खिताब, कह सकते हैं या क्रिकेट 2022 का खिताब किसने जीता, ये है भारत, भारत ने। ये बड़ी बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज है, एशिया कप है ना, एशिया कंट्रियों में खेली जाने वाली। तो ये वो भी किसने, भारत, उप विजेता श्रीलंका है। तो अंडर 19 एशिया कप, मतलब अंडर 19 वाले जो थे एशिया कप, ये भी क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, इसलिए हमको सब क्वेश्चन लेके चलना पड़ेगा। उसी प्रकार हम देखें, और इसका जो उप विजेता था श्रीलंका था। तो हम देखते हैं 2 जनवरी 2022 को अगला क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि वो डेट ही याद रखे रहो, जनवरी 22 भी आपने, लेकिन 2022 जैसे, हाँ 2022 में यदि हम कहें, क्वेश्चन बनेगा कि 2022 में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का जो विजेता था वो कौन था, भारत था, और उप विजेता कौन था, तो श्रीलंका। ये दो क्वेश्चन हो गया, जरूरी नहीं कि वो सेम डेट ही या वही जनवरी जो डेटा आ रहा वही आना, ऐसा नहीं है। आप ईयर याद रखो, बिल्कुल याद रखिए। फिर 2022 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस, मतलब वहां पेपर से कोई काम ही नहीं, कंप्यूटराइज सारा काम, तो आप कंप्यूटर पर पेपरलेस अदालत बनी, तो इसका खिताब जो है वो केरल, मतलब प्रथम छोटा राज्य भी है और बहुत ही सबसे ज्यादा 100% एजुकेटेड शिक्षित राज्य भी है। तो यहाँ सारी बड़ी चीजें यहाँ जो भी है परफेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, एजुकेटेड लोग हैं वो सारा। तो पेपरलेस जो है ना वो केरल हो गया, तो पहला जो हो गया अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है, सॉरी एशिया कप जो है, भारत ने जीता, उप विजेता श्रीलंका है। अब पेपरलेस अदालत जो भारत की पहली हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट की जो है ना, किस राज्य ने पहला उसने किया है, तो पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया है, तो केरल। अब हम अगला देखते हैं, 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, मतलब 3 जनवरी 2022 में, जनवरी 2021 में, तो अभी देखो ये 22 और ये 22 का घूम के 23 गया, तो अब आएगा इसका डेटा, ठीक है ना। और तो जो महिला खिलाड़ी थी 22 को जो हम घोषित हुआ था वो स्मृति मंधाना थी। अब देखते हैं 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रोन, ये बड़ा क्वेश्चन भी है ओमिक्रोन, ये कोरोना से तो सारे ये माइंड में रखना है, सारे क्वेश्चन कौन से वैक्सीन क्या क्या कुछ भी पूछ सकता है, ये बड़े क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रोन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट, स्वदेशी मतलब भारत में जो किट बनती, जांच चेक करने के जो किट बनती है वो क्या थी, स्वदेशी किट को मंजूरी दी, कौन सी थी वो, तो ओमिस्योर, ये है ओमिस्योर, इस किट को मंजूरी दी गई है भारत में। तो दोस्तों आप देखें इस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना स्टार्ट होगा एग्जाम जरूर आएगा,
देखो जनवरी, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने वो ईयर छोड़ दिया, एक्चुअली बहुत जो दिवस होते हैं वो हर साल वही सेम डे पे मनाए जाते हैं, तो हर साल मनाते हैं। जैसे अभी इस साल 9 जनवरी 2023 में भी मनाया गया होगा, तो ये कॉमन है, बड़ा क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब भारत के जो लोग बाहर दुनिया में रहते हैं आज और अन्य कंट्रियों में, तो वो लोग आते हैं तो दिवस मनाया जाता है। तो अभी हाल में ही मैंने क्वेश्चन बना के आपको, मेरे था भी सेट में कि हाल का जो इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया, तो वो मध्य प्रदेश में, और किस शहर में, जो इंदौर में मनाया गया, 9 से 11 जनवरी के बीच में मनाया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन कॉमन जो क्वेश्चन है ये चलते रहते हैं। तो आपने देखा भारतीय प्रवासी दिवस हो गया, 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इस साल का जो 2023 का मध्य प्रदेश में मनाया गया, और वो भी इंदौर जिला, उसके लिए जहां पे आयोजित जो जिला था वो इंदौर था, 9 और तारीख हम देख ले 9 से 11 तारीख। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ? दो प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है कि किस किया जाएगा, तो अब तो हो गया ये मना खेल लिया गया है ना, तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 का गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ, तो ये हुआ भैया मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के क्वेश्चन बहुत सारे जो है मध्य प्रदेश के जीके में आएगा ही आएगा, तो करंट का भी है कि कौन से राज्य में हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। ये भी बड़ा गेम है ना, भारत का खेलो इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ, 2015 में लॉन्च हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में खेला गया। अगला देखते हैं, 10 जनवरी को कौन सा दिवस, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, मतलब 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो भैया कौन सा, विश्व हिंदी दिवस। दो क्वेश्चन है, मनाया गया, देखो हम 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 10 जनवरी, 9 जनवरी विश्व प्रवासी दिवस हो गया, और 10 जनवरी आप याद रखिए विश्व हिंदी दिवस हमारा, क्योंकि हिंदी दिवस हम मनाते हैं वो अलग डेट है, लेकिन ये क्या है, कंफ्यूजन ना हो, विश्व हिंदी दिवस, इसलिए मैं वो दिन को, उस जो हमारे जो हिंदी दिवस जो बनाते हैं वो डेट को आपको नहीं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे, उस पर मैं बना दिया है। तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस। तो दोस्तों 10 जनवरी याद रखिए विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि ये पटवारी के 2017 में क्वेश्चन आप टेली कर लिए, दिवस भी आए थे, सारा ये सारी चीज आती, तो हमें याद रखना है, हमको एक एक नंबर लेना है, किसी के बहकाव में अरे क्या फालतू ऐसा नहीं, क्वेश्चन सटीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हैं 15 जनवरी, तो जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नाम चेंज किया, हमेशा हमें पता है कि ट्रेन में जो पीछे रहता है वो गार्ड कहलाता है, आगे ड्राइवर होता है, ठीक है ना, परंतु गार्ड अब उसका नाम बदल दिया भारत सरकार ने, रेलवे ने चेंज नहीं कर दिया। तो जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदल कर क्या रख दिया, तो भैया ट्रेन मैनेजर, मतलब ट्रेन मैनेजर के नाम से जो गार्ड जाना जाएगा ट्रेन के मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। और कुछ अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे हमने देखा अभी कुछ क्वेश्चन को देखे और देखते हैं कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में, देखो भैया 26 जनवरी 2022 करण का जी क्या ना, और बड़ा क्वेश्चन है, परेड में पहली महिला राफेल, महिलाओं पे ज्यादा रहता है कि पहली महिला, पुरुष तो उड़ा ही रहे हैं तो महिला में उड़ा रही है, महिला में ध्यान देना, पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी, मतलब किसने पहला इसमें परेड में उसने उड़ाया। तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट तो कौन बनी, ये शिवांगी सिंह बनी, शिवांगी सिंह को ये अवार्ड मिल गया, मतलब पहला राफेल वो भी गणतंत्र दिवस के परेड में उड़ाने का। अब हम दूसरा देखते हैं, 1 जनवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता, मतलब इसके अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग महिला एशिया कप 2022 का, मतलब 2022 का जो एशिया कप हुआ था महिलाओं का वो किस देश ने जीता, तो हमने नहीं जापान ने जीता, इसको जापान ने जीता है, ये भी क्वेश्चन है क्योंकि ये एशिया कप है तो खेल के उसमें आएगा, आता ही आता है। तो हमने देखा 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल, कई बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों इसलिए आपको याद हो जाए, पूरा वीडियो देखे हो पूरा याद हो जाए, तो राफेल
फाइटर जेट को शिवांगी सिंह ने उड़ाया था परेड में, और भारत का सॉरी 1 जनवरी 22 के अनुसार महिला एशिया कप जापान ने जीता था, ये जापान ने। अब हम देखते हैं भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। तो जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो भैया ये जबलपुर है, मध्य प्रदेश एमपी जीके के अंदर भी है, और दूसरे बहुत सारे एग्जाम के लिए भी जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है। तो जियोलॉजिकल पार्क जो बनेगा वो मध्य प्रदेश में बनेगा। उसी प्रकार हम देखें 8 फरवरी 2022 डेट बार बार कह रहा हूँ, डेट से वो ज्यादा होने रखे, आपको पता वो ईयर रख लो कि भाई 2022 को इस ईयर में को किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की। तो देखो 8 फरवरी 2022 को डेट भी याद रख लो, फिर 8 फरवरी 2022 को किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की? तो ये है भैया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बहुत सारे घोषणाएं की हैं और देता रहता है, तो ये हमारा ये जो राज्य है मध्य प्रदेश 8 फरवरी 2022 को किस राज्य लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य ने घोषणा करी है देखने देने के लिए। अब देखते हैं 10 फरवरी 2022 को अंक के अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? देखो यहाँ पर भी आप कंफ्यूज नहीं होना, जियोलॉजिकल पार्क, ये जियोलॉजिकल पार्क है जबलपुर मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन जो ये है कंफ्यूजन, कई क्वेश्चन है ऐसा लगता है कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। 10 फरवरी 2022 के अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये मध्य प्रदेश में होगा, ये याद रखने की बात है कि मध्य प्रदेश में होगा। जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश, और हाइड्रोजन संयंत्र वो जो है मध्य प्रदेश। अब देखते हैं 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? तो 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो, तंबाकू खाने वाली दुनिया में बहुत लोग हैं, तो पूरी दुनिया के ऑल ओवर दुनिया के लिए एक मुहिम चला रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि WHO ने किया है। WHO ने ये लोगों से निवेदन कर रहा है और ऐप लॉन्च कर दिया भैया तंबाकू छोड़ो, नशा छोड़ो। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्वास्थ्य लेके रिलेटेड रहता है ना, इससे सारी जानकारी लेता है और सब लोगों को सुझाव देता है। तो उसने दुनिया में कहा भैया तंबाकू, तो तंबाकू छोड़ो ऐप किसने किया? WHO। उसी प्रकार हम देखें 17 फरवरी 2022 के अनुसार दक्षिण एशिया का, आप देखो ये भी क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड है, दक्षिण एशिया, एशिया में हम आते हैं ना भारत के लोग, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहां लगेगा? तो ये मध्य प्रदेश। इस प्रकार हमने देखा कि इसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक, ये दो, और ये तीन, और ये चार। तो दोस्तों यहाँ 4 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, 4 क्वेश्चन ये हो गया। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर ले कि भैया 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड पे फाइटर जेट जो थी वो भी रफा, ये राफेल बहुत फेमस था, इसमें बहुत विवाद भी हुआ, इसलिए माइंड में रखें तो राफेल जेट है। याद रखें कि महिला ने जो उड़ा पायलट बनी थी वो शिवांगी सिंह थी, और महिला एशिया कप जो था वो जापान 2022 का जीता है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ लगेगा? जबलपुर मध्य प्रदेश में लगेगा। उसी प्रकार किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा करी है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। फिर भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगेगा? तो ये भी मध्य प्रदेश में लगेगा। फिर किसने और 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? तो WHO ने किया है। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 17 फरवरी 2022 के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया भारत का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहां लगेगा? तो मध्य प्रदेश है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश। इसी प्रकार मेरे चैनल के साथ बने रहे और उसका लाभ उठाते रहे, बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आते रहूंगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।